नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात साध्वी प्रज्ञा की। साध्वी प्रज्ञा को लेकर आज से कुछ साल पहले तक ये पिक्चर दी गई इस देश के सामने कि साध्वी प्रज्ञा भगवा आतंकवाद की एक चेहरा है। साध्वी प्रज्ञा ने इस देश में हिंदुवादी आतंकवाद को एक नई शक्ल दी है। बड़े बड़े इल्जाम उन पर लगे और इसी देश की इसी सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने लगाए। आज वही जांच एजेंसियां साध्वी प्रज्ञा को मान रही हैं, बता रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। साध्वी प्रज्ञा से तमाम इल्जाम हटाकर अब लगभग ये साफ हो गया है कि मालेगांव ब्लास्ट जो कि 2008 सितंबर महीने में हुआ था, उसमें क्लीन चिट मिलने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा की बाहर निकलने के रास्ते पुलिस कस्टडी से जेल से आसान होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्यों जांच एजेंसियों ने अपना रुख बदला? क्या सरकार बदलने के साथ जांच की दिशा भी बदली है? एक सरकार अपने तरीके से जांच करवाती है तो दूसरी सरकार आने पर अपने तरीके से जांच को बदलाव की स्थिति में ले आती है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ बड़े मेहमान हमारे साथ होंगे। प्रज्ञा बची, कांग्रेस फंसी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी जब साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई थी। क्या हुआ दिन भर आज, पहले उस पर नजर। हम तो पूछेंगे मैं अगले एक घंटे बड़ी बहस। मालेगांव ब्लास्ट, प्रज्ञा बची, कांग्रेस फंसी। साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम बार बार लेते हैं क्योंकि ये आतंकित खुद हैं। भगवा से इसलिए वो आतंकवादी कहते हैं क्योंकि अपना पाप दूसरों पर डालना ये कांग्रेस की पहले से नीति रही गई। इनको कहीं ठौर नहीं रहेगा, इनको मार मार कर इनके देशों में भेजा जाएगा। जो आतंकवादी उनका सर्वनाश किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह एक सशरीर है, वो अगर मर भी जाती है तो एक साध्वी नहीं कितनी साध्वियां राष्ट्रभक्त खड़ी हो जाएंगी। ये हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी। लेकिन अब एनआईए के तर्कों की चली तो प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी नहीं रहेंगी। मुंबई एनआईए कोर्ट में अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एनआईए ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी है। इस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा के मालेगांव ब्लास्ट की साजिश में शामिल होने के सबूत नहीं है। एनआईए का कहना है कि धमाकों में प्रज्ञा के मोटरसाइकिल के इस्तेमाल की बात कही गई है, लेकिन यह मोटरसाइकिल 2 साल पहले ही उसने बेच दी थी। यही नहीं, प्रज्ञा के खिलाफ सभी गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं, लिहाजा प्रज्ञा के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनता है। किसी प्रवृत्तियां भी शायद अपने विरोधियों को इतना प्रताड़ित नहीं करती होंगी जितना प्रताड़ित हमारे देश की जांच एजेंसियों ने उनको किया था। पहले के सरकार के हाथों के नीचे उंगलियों के इशारे पर नाचने वाली व्यवस्था थी और उस व्यवस्था ने एक साध्वी को चलने लायक नहीं छोड़ा। एनआईए की नई चार्जशीट ने इस पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। 2008 में मालेगांव में मुस्लिम बहुल इलाके में धमाका हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, 79 लोग घायल हुए थे। इस केस की जांच शहीद हेमंत करकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र एटीएस ने किया था। एटीएस के मुताबिक धमाके की साजिश अभिनव भारत नाम के संगठन ने किया था। एटीएस ने इस संगठन के कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट ही नहीं बल्कि समझौता ब्लास्ट, हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट से भी इसके तार जोड़े थे। अब एनआईए ने इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 और लोगों को भी क्लीन चिट दे दी है। यही नहीं, बाकी आरोपियों पर से मकोका भी हटा लिया गया है। एटीएस पर सवाल उठाते हुए एनआईए ने एटीएस के रुख पर भी सवाल उठाया है। एनआईए के मुताबिक कर्नल पुरोहित के घर आरडीएक्स मिलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। गवाहों पर दबाव बनाने की बात भी सामने आई है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में आई, हमने वही सवाल उठाया, हमने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया। 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस और यूपीए समय में उन्होंने एक राजनीतिक मोड़ देने का जो प्रयास किया वो गलत हुआ। कम से कम हेमंत करकरे जैसे एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर, उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने झूठे प्रमाण तैयार किए, ये निंदनीय है। राजनेता कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों और मासूमों के इंसाफ से चल रहे सियासी खिलवाड़ के बीच
हम तो पूछेंगे, क्या मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को यूपीए सरकार ने फंसाया था? तो एक बार फिर हमारा सवाल जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझको इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को यूपीए सरकार ने फंसाया था? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं फंसाया था तो HTP स्पेस देकर N लिखिए, और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही #HTP और #HinduAtank पर सियासत के जरिए आप अपनी राय हमको भेज सकते हैं ट्विटर पर और IBN खबर के फेसबुक पेज पर। इस शो के दौरान आपकी राय को हम जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस डिबेट में हमारे साथ इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, जुड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद और प्रवक्ता पवन वर्मा जी हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हैं, जिनसे इस मामले में पूछताछ भी NIA ने की है। RSS के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, और RJD के नेता मृत्युंजय तिवारी भी इस डिबेट में हमारे साथ शामिल होंगे। हम आपको बता दें, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बजर राउंड नहीं रख रहा हूँ, सीधे मैं सवाल जवाब पे आ रहा हूँ, और ये सवाल मेरा सुधांशु जी आपसे है। सरकार बदली, जांच एजेंसी की जांच की दिशा बदल गई। कल तक जो साध्वी, जो कर्नल ये कह रहे थे, इन्हीं एजेंसी के लोग, इसी एजेंसी के अधिकारी, कि ये लोग हिंदू आतंकवाद के सबसे बड़े चेहरे हैं, ये लोग देश में हिंदू भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये लोगों पे से तमाम इल्जाम हट रहे हैं, मुकदमे कमजोर हो रहे हैं, बाहर निकलने के रास्ते साफ हो रहे हैं इन्हीं एजेंसियों के द्वारा। शक क्यों ना किया जाए कि सरकार अपना दबाव एजेंसीज पर डाल रही है? सुमित जी, जो आपने बोला है मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं, जांच की दिशा बदली नहीं है। ये सारे के सारे मामले तथा कथित भगवा आतंकवाद से जुड़े हुए भारत ही नहीं विश्व की जांच प्रक्रिया के अद्वितीय मामले हैं, जिनमें पहले जांच एक दिशा में जा रही थी, अचानक यू टर्न लिया और दूसरी दिशा में आ गई। जांच की दिशा तो 2007, 2008 और 2009 में बदली थी। दूसरा विचित्र प्रकरण इनमें क्या है, यह विश्व के एकमात्र मामले हैं जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की दिशा एक तरफ है और अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के निष्कर्ष कुछ और हैं। जैसे समझौता एक्सप्रेस मामले में आज भी FBI ये कहता है कि यह पाकिस्तान का खेल था, और आरिफ कसमानी के साथ जो फाइनेंशियल डील के विषय सामने आए वो उसको प्रूफ कर रहा है। भारत सरकार भी पहले यह कह रही थी, अचानक बदल के वो हिंदू आतंकवाद पे आ गई। तीसरा, ये तो वो केसेस हैं जहां भारत सरकार की ही दो एजेंसियां इशरत जहां के मामले में IB और CBI एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। IB कह रही है वो आतंकवादी है, CBI जो पहले कह रही थी आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी है, वो अब कहने लगी आतंकवादी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जांच की दिशा तो हकीकत में पहले बदली गई थी, यू टर्न हुआ था। तो आप ये जो अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस ने यूपीए ने जानबूझकर फंसाया, यदि इसमें दम होता, जानबूझकर फंसाया साध्वी प्रज्ञा। 2006 का प्रकरण है सुमित जी, 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार रही, इनको तो आरोप सिद्ध करके सजायाफ्ता करवा देना चाहिए था, वो तो छोड़िए, ये आरोप का सही निर्धारण नहीं कर पाए, मतलब चार्जशीट अब जाके आ रही है। इससे साफ प्रमाणित होता है कि इनकी मंशा क्या थी। जवाब दीजिए संजय झा, हकीकत में जांच एजेंसी, जवाब दीजिए, जानबूझकर फंसाया, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाया, संजय झा। सुमित जी, मैं समझता हूं कि आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक मुझे एक भावना आ रहा है, क्योंकि आज हेमंत करकरे जो भारत के लिए शहीद हुए, आज उनका दिन दहाड़े अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और RSS उनके विरुद्ध थी, ये सब जानते हैं, और जानते हैं क्यों, क्योंकि हेमंत करकरे जी ने अपने छानबीन पर, उन्होंने अभिनव भारत और जिसमें RSS से बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं उन पर आरोप लगे थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। अब मैं कुछ तथ्यों पर आना चाहूंगा जो बहुत तकनीकी जो उनका अंदाज है, लेकिन वो बहुत ही अहम है। सबसे पहले तो आपको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा सुमी जी, कि रोहिणी सल्यान ने जो 2 साल पहले कहा था
जब मोदी सरकार आई और आई और दो महीने के अंदर जो भारत के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे मालेगांव केस पर सरकारी वकील, उनको बताया गया कि आप जरा जहां पर ये हिंदुत्व लोगों को गिरफ्तार किया गया है आतंकवाद के आरोप पर, उन पर आप थोड़ा हल्का तरीके से उनको आप रिहाई के लिए उनको आप किसी न किसी तरीके से कुछ समझौता या सौदा कर लीजिए, आप कुछ दबाव बन डालिएगा। और ये बात रोहिणी सल्यान ने सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में नहीं कहा था सुमित जी, उन्होंने इसको एक एफिडेविट मुंबई हाईकोर्ट में दिया था, उन्होंने उस अफसर का भी नाम दिया जिसने दबाव डाला है। ये सच्चाई क्या सुमित, क्या क्या इस बात को सुधांशु जी इसको नकार सकते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है सुमित जी कि रणधीर सिंह जिन्होंने सीआरपीसी 164 जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने आपको बिना दबाव आए पे कन्फेशन करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में, क्योंकि वो फिर वो भी हॉस्टाइल हो गए गवाह होने के नाते अजमेर केस में, तो उनको क्या, उनको तो वहां मंत्री का उनको एक इनाम दिया गया झारखंड में। तो ये सरासर ये राजनीति हो रहा है संजय जी, मैं आपकी बात नाम होना मैं चाहिए, बात एक मिनट को मान भी लूं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं एक मिनट को आपकी बात मान भी लूं कि रोहिणी सल्यान की बात हो या राजेंद्र सिंह की बात हो, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो सुधांशु जी ने सवाल खड़ा किया कि चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई इतने सालों में। मैं आऊंगा सुधांशु जी आपके पास, मौका दूंगा। नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। चार्जशीट था, उसी पर तो उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए बात यह है कि ये ऐसा विषय है, एक मिनट देखिए, ये बहुत बहुत अहम बात है कि कांग्रेस जब यूपीए थी सरकार में सुमित जी, यह प्रश्न पूछेगा सुधांशु जी से, मैं इस पर कोई उनके जैसा मैं कोई जुमला नहीं करूंगा यहाँ पे, कि एटीएस ने कुछ और कहा, एनआईए ने कुछ और कहा, ये इसका मतलब ये तो इसी बात का सबूत है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। अरे छानबीन की एजेंसी आजादी में अपना काम करे, उनका यदि छानबीन में कुछ और उनको कुछ मिला और उनके सोच में नजरिया में कुछ और कोई और गुनाहगार है, वो उनकी आजादी थी। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, चाहे समझौता हो, अजमेर हो, मेका मस्जिद हो, यहाँ पर मालेगांव हो, हर जगह सब गवाह ये हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की वजह से हुए, आप बीजेपी की थ्योरी को सिरे से नकार रहे हैं। सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा, मैं एक बार सबसे बात कर लूं। संजय जी मैं आऊंगा, संजय जी प्लीज बियर विद मी, मैं आऊंगा आपके पास। नंद ने स्वामी असीमानंद ने तो मोहन भागवत का भी नाम लिया आरएसएस का। अच्छा आप ये छेड़ना चाह रहे हैं, ठीक है मैं जवाब देंगे राकेश सिन्हा, आप ही के पास आ जाता हूँ, आप पहले जवाब दीजिए। मुझे लगता है संजय झा जी पुराने स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट चेंज कीजिए, परिस्थितियां बदली हैं। यदि आप आज बहस में हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने मालेगांव केस पर जो चार ऑब्जर्वेशन दिया वो हम सबको जानना चाहिए। एनआईए पे आप सवाल कर सकते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल आप नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इन पर मोकोका हटाओ, मोकोका का केस नहीं बनता है, एनआईए ने स्वयं निर्णय नहीं लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी परिस्थितियों को देखा। मैं आता हूँ प्रज्ञा ठाकुर पर, चूंकि आज केंद्र में वही है। देखिए जिस व्यक्ति पर आरोप होता है, जो एक आतंकवादी होता है, वो पुलिस से भागता है, एटीएस की टीम इंदौर पहुंचती है और प्रज्ञा से मिलती है, प्रज्ञा से कहती है हम आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, और प्रज्ञा हंसते कूदते कहते चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। कोई वारंट नहीं, कोई उस पर पूछताछ का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, वो मुंबई आती हैं, मुंबई के होटल में 7 दिन तक इलीगल डिटेंशन करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक नार्को टेस्ट हुआ, साइको एनालिसिस हुआ, प्रज्ञा का कुछ नहीं निकला, एकमात्र एक भी आरोप एनआईए एटीएस और एनआईए एटीएस से एनआईए के पास ये केस 2011 में गया। एनआईए ने इस केस को लेते हुए क्या किया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए करकरे जी के प्रति असम्मान होना अलग प्रश्न है, कोई केस में कोई पुलिस अधिकारी गलत कर भी सकता है, नहीं कर सकता, इससे उसकी देशभक्ति या उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं होता है। मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ, एनआईए ने जैसे ही केस अपने हाथ में लिया, जब प्रज्ञा जी से कुछ नहीं निकल पाया, तब एनआईए क्या करती है, एक अनंत ब्रह्मचारी नाम के स्पिरिचुअल भाई जो होते हैं उनको उठाकर लाती है, दिल्ली के जंगपुरा होटल में रखती है, उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए, उसका जवाब मांगा गया, वो नहीं दे, चूंकि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी था रजिस्ट कर पाया, शायद सामान्य व्यक्ति होता तो उस फिजिकल टॉर्चर को रजिस्ट नहीं कर पाता, नहीं दिया, अंत उसे सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। 5 जनवरी 2011 का आप किसी भी अखबार को उठा लीजिए, ये घटना सब में आ गया है। एक और बात, जब प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, कोई चार्ज नहीं बना, सिर्फ एक चार्ज है उनकी मोटरसाइकिल का उपयोग,
जो पुरानी एनआईए ने, जो आपके दौरान एनआईए, जिसको एनआईए अब की और तब की कर रहे हैं, उसी एनआईए ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 2 साल पहले वो मोटरसाइकिल बेच चुकी थी, उनके हवाले मोटरसाइकिल नहीं था। इसलिए संजय जी, जो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का स्क्रिप्ट लिखा गया सिंधी और चिदम्बरम के द्वारा, मैं इनको मोहरा मानता हूं। एक समय कांग्रेस ने सरदार पटेल गृह मंत्री थे जिसने हैदराबाद के निजाम को मोहरा बना दिया, और आज बस अंतिम बात, आज कांग्रेस ने ही दो ऐसे गृह मंत्री दिए जो मोहरा बनकर रहे। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी भगवा आतंकवाद की? क्या कांग्रेस ने जानबूझ के लिखी? क्या आप उस थ्योरी को मानते हैं पवन वर्मा? जी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो न धर्म या मजहब या रंग या क्षेत्र से जुड़ी है, वो एक लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कितने तोते कितने पिंजड़े में हैं, केज्ड पैरट्स, एनआईए या सीआई या सीबीआई। एनआईए में इन्वेस्टिगेशन होता है, आपने जिक्र किया अमर शहीद हेमंत करकरे, सत्यनिष्ठ ईमानदार अफसर करते हैं उसकी इंक्वायरी। सरकार बदलती है, एनआईए का बयान बदल जाता है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, अच्छे से स्पष्ट। हेलो, बोलिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है आपको, मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज लगता है आप तक नहीं जा रही है, पर हम आपको सुन पा रहे हैं पवन जी। आवाज ही नहीं जा रही है पवन जी को, शायद यहां से आवाज नहीं जा रही है। हम उनको अपना फोन लगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आगे जाऊं पवन जी के पास या राजीव जी के पास। एक हमारे साथ शख्स यहां पर है, विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। अक्सर आप हमको हमारे शोज में तिवारी जी को बैठे देखते हैं डिबेट्स में। तिवारी जी वो शख्स हैं जिनसे इस पूरे मामले में एनआईए ने पूछताछ की थी। तिवारी जी, आपका कैसे इन्वॉल्वमेंट था या क्यों आपसे पूछताछ की गई? सुमित जी, हमें तो कांग्रेस का घिनौना चेहरा वास्तव में तब देखने को मिला कि किस किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचते हैं। ये अपने हित के लिए, कांग्रेस के हित के लिए हिंदुओं को सूली पर चढ़ा सकते हैं, सिखों को सूली पर चढ़ा सकते हैं, ये देश को सूली पर चढ़ा सकते हैं, ये किसी को बख्शते नहीं हैं, ये इनका इतिहास है। मुझे याद है कि जब ये सारा पूछताछ चल रही थी तो प्रज्ञा हमारे पास भी, झा साहब बिल्कुल आपके पास आएंगे, आप पूरी बात कहिएगा। जब ये सारी पूछताछ चल रही थी तो मेरे पास भी आया, क्योंकि प्रज्ञा एक दो बार हमारे पास आई थी। हम साधु संतों पर हमारा बड़ा अनुराग है, तो संतों की हम सेवा भी बहुत करते हैं, तो संत के रूप में साधु प्रज्ञा हमारे यहाँ आई, और इसी क्रम में हमारे घर में मेरे बिना अनुपस्थिति के ये एनआईए के लोग हमारे घर में गए। मेरी पत्नी को उन्होंने बहुत धमकाया, इसके बाद 3 बार मुझे डिटेन किया, मुझे 3 बार एनआईए के हेड ऑफिस बुलाया, और घंटों बिठा करके केवल एक बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे कि वो आपके घर में कम आई। मैं भैया जब मेरे पास आई तो मैंने उनको बताया कि मेरे घर में ऐसे आई, लेकिन वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि समझौता एक्सप्रेस के समय, उस समय बोलो आपकी उस समय आई, यानी ये मेरी आंखों के सामने। और ये आप अगर देखेंगे तो दबाव डाल रहे थे, अपनी मर्जी का बयान दबाना चाहते थे। नहीं नहीं, इस समय नहीं आए, उस समय आए आपके पास। तो आपने क्या किया? नहीं, हमने कहा जो आपको लिखना है वो आप लिखेंगे, मेरे दबाव में तो आप लिखेंगे नहीं। मैं जो जानता हूँ और जो मेरे घर में आए, जो मैं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे घर में आए और इस महीने आए, लेकिन नहीं नहीं वो उसमें नहीं लगो। इस प्रकार का एनआईए के लोग, वो लोग हमसे क्यों पूछते थे ये मुझे नहीं पता। इससे संकेत देश के लोग आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से आपने हाथ उठाया, संजय झा। मैं जवाब दूंगा। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं कि आज भी कर्नल पुरोहित जेल में हैं? और यदि आज भी कर्नल पुरोहित जेल में हैं तो ये इसी बात का सबूत है कि यहाँ पर आरएसएस का इसमें योगदान है। और चाहे आप इस बात को माने या ना माने, घटिया घिनौनी सांप्रदायिक और विभाजक राजनीति जो आरएसएस और बीएसपी और बीजेपी कर रही है, अगर किसी के विषय में निर्णय करना होता है इतिहास देखना पड़ता है। 1947 में आपने संघ पर, मैं बताता हूँ आपने भगवा आतंकवाद क्यों खड़ा किया। 1947 में आपने संघ पर, मैं रोक लूंगा संजय जी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खोला, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। 1992 में आपने संघ पर प्रतिबंध लगाया, उस समय आप बरी हुए। विजय जी, विजय जी सुन लीजिए, सुने आप जरा शांति रखिए, मैं जल्दी में जवाब दूंगा। स्वामी असीमानंद आरएसएस के शख्स थे या नहीं, ये सच है, वो आरएसएस के थे।
और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने मांगा और उन्होंने इस बात को सच्चाई तरीके से उन्होंने माना है कि इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे क्यों गिरफ्तार हुए, क्यों उन्होंने कैरेवन के इंटरव्यू में कहा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा था उनको कि ये जो हमले हो रहे हैं ये होने चाहिए, और इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट इंटरनेट पे है। आप लोगों ने कैरेवन को धमकी दी लेकिन कैरेवन ने पूरा इंटरव्यू स्वामी शिवानंद के इंटरनेट पे डाल दिया है। कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि वो सब लज्जा भी नहीं आती, झूठ बोलते लज्जा नहीं आती। संजय जी आपकी बात का जवाब दिला, संजय जी आप सुनिए, संजय जी आप सुनिए, संजय जी आप सुनिए, संत शिवानंद को कितना जानते हैं, झूठ बोलने वाले हैं। डांग क्षेत्र में गरीबों के बीच में सारा जीवन खपा दिया, नहीं पर इतना संवेदनशील व्यक्ति। विजय जी, राकेश जी से पूछ रहा हूं मैं, असीमानंद जी का वो इंटरव्यू हम सबने पढ़ा है और उसमें उन्होंने कहा है जो बात संजय झा बोल रहे हैं वो बात है उस इंटरव्यू में, उसमें मोहन जी का नाम लिया गया है। देखिए मुझे लगता है कि आधी बात को कहना और आधी बात को नहीं कहना, बाद में असीमानंद जी ने कहा जो बात कही वो सब गलत था, एक तरह से असीमानंद जी को विलेन बनाने की कोशिश की गई। आप असीमानंद जी ने 164 में फिर से बयान दिया है, आप असीमानंद जी के बयान को देखिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आज आपके सामने विजय शंकर तिवारी जी उपस्थित हैं, आज टीवी चैनल पर एक प्रवक्ता के रूप में आते हैं, इनके घर में जाकर यदि उसमें ये झुक जाते, डर जाते और कहते कि नहीं प्रज्ञा उसी समय आई, आज विजय शंकर तिवारी जी उन्हीं छह अभियुक्त के साथ अभियुक्त होते। मैं अंतिम बात इनको कह दूं, कांग्रेस को देखिए, ये स्क्रिप्ट लिखा गया था हिंदू आतंकवाद का, एक समानांतर तैयार किया गया था जिहादी आतंकवाद का, इसमें विदेशी ताकत के दबाव में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ऐसा किया और मैं पवन वर्मा जी से असहमत हूँ। कांग्रेस जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के दबाव में ये जिहादियत लिखी गई है, यदि उसके पीछे एक पवन जी और राजीव जी, पवन जी और राजीव जी, ये सब ये पूरे पवन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है पवन वर्मा? पवन जी आप मुझे सुन पा रहे? राजीव राय आप मुझे सुन पा रहे? जी सुन रहा हूँ। अरे वाह शुक्रिया राजीव जी, ये पूरी स्क्रिप्ट कहा जा रहा था कि पहले कांग्रेस के दबाव में लिखी गई, कांग्रेस तब दबाव आता हूँ सुधांशु जी में, अब क्या ये क्यों ना माना जाए कि आपकी सरकार का दबाव है आपकी एनआईए पर, आपकी एजेंसी पर? कौन सी एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट है? तोता कौन था, पहले वाली की बाद वाली? राजीव राय सुमित जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, आतंकवाद और राष्ट्रीय विरोधी कार्यों से खतरनाक कार्य के हो सकता है कि कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दोनों केंद्र में सरकारें पार्टियां जो सरकारें राष्ट्रीय सरकार चला रही है, राजनीति तो हो रही है, तो बात स्पष्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के बारे में पहले होता है, मुद्दे को पुलवा खोद रहा है, यह दोनों पार्टी के प्रवक्ता लोग बताएंगे। ये बात साफ है कि इस गंभीर विषय पर भी राजनीतिक पार्टियां घटिया सोच से ऊपर नहीं उठ पाई। राजनीतिक पार्टियों से मेरा तात्पर्य दोनों केंद्र में सरकार चलाने वाली राजनीतिक पार्टियों से है या इनके गठबंधनों से है। मेरा मानना है इस विषय पर दूध का दूध और पानी के पानी के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से इस पर जांच बैठाई जानी चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी। एनआईए या सीबीआई पे भरोसा नहीं है? नहीं देखिए उसमें भरोसे की तो बात ही नहीं है सुमित जी। दो प्रकार के सबूत आधार बनते हैं, एक होता है बयान और एक होते हैं सबूत। जो संजय झा जी कह रहे हैं बयान बदले जा सकते हैं, सबूत नहीं बदले जा सकते। आप असीमानंद की बात कर रहे हैं, असीमानंद के बयान के अलावा क्या सबूत था? क्या आरिफ कस्मानी का फाइनेंशियल ट्रेल जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने दिया कि समझौता एक्सप्रेस के लिए आया था, वो क्या आप कह रहे हैं कि असीमानंद के लिए आ रहा था? समस्या यही है कि आपका सारा का सारा प्रीमाइज, सारा का सारा आधार सिर्फ बयानों पर आधारित। और एक मैं तथ्यात्मक बात कहता हूं भाई, देखिए आतंकवादी घटना हुई 26/11 हुई, कसाब था, 26 नवंबर 2009 को घटना होती है, 4 साल में आप उसको सजा सुना देते हैं और 4.5 साल में आप फांसी चढ़ा देते हैं, और यहां 2006 से 2014 तक आप आरोपों का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, तो क्या यह अपने आप में बात प्रमाण नहीं कि आपके पास कितने सबूत थे जो अदालत में जाके खड़े हो पाते? सुधांशु जी लेकिन आप इस बात का, इस बात को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस बात का जवाब दीजिए ना कि आप कहते थे यूपीए सरकार के टाइम में कि सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल करते हैं, अब यही बात आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अपने लोगों को बचाने के लिए एजेंसीज पर, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो सीबीआई हो, उस पर दबाव डाल रही है, अपनों को बचाया जा रहा है और राजनीतिक विरोधियों को फंसाया जा रहा है। तो ये तो आपके आपकी सरकार भी कर रही है। सुमित जी, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, एक बार हम इस आरोप में यथास्थिति रखते हैं, हम इस पे कोई सफाई नहीं देते ना कोई इनसे बात कहते हैं संजय झा जी से, ठीक है। आप ये कहिए कि आपने अपनी सरकार में अपना प्रयोग किया, हमने अपनी सरकार में अपना प्रयोग किया, ये आरोप आपका हम यथावत रखते हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है, ये एफबीआई का क्या इंटरेस्ट है ये बताइए भारत के उसमें, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इनपुट दे रही हैं कि जिसको आतंकवादी कह रहे हैं इशरत जहां को, उसको आपकी सरकार बिहार की बेटी कह रही है, इसमें कौन सा इंटरेस्ट है? और मैं परिप्रेक्ष्य बताता हूं, ये आप ही के पार्टी के नेता ये हाफिज साहब शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, ओसामा जी शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, बटाला हाउस के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये अफजल गुरु और याकूब मेनन व्यवस्था के मारे नजर आने लगते हैं, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य अन्य जैसे लोग आतंकवाद से प्रभावित नजर आने लगते हैं। तो यहां तक कि आपने तो भगत सिंह को अपनी किताबों में आतंकवादी कह दिया। तो ये पूरी की पूरी एक मानसिकता है जो कि अंतरराष्ट्रीय तथ्यों के खिलाफ नजर आ रही है। तब आईबीसीबीआई का जवाब सुनिए संजय झा। सुधांशु जी मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, उतना मुझे लगता है कि वक्त दर्शकों का हम बर्बाद न करें, सच्चाई पर आए, हकीकत क्या है। आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने रणधीर सिंह का नाम सुना होगा, रणधीर सिंह भी है जो एक तरीके से एक दूसरे गवाह जो हॉस्टाइल बन गए हैं, आपने उनको झारखंड में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, उनको आपने इनाम दिया, उनको आपने उनकी शोहरत बढ़ाई, जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उस बात को पहले कबूल किया था, आपकी सरकार जब से आई है तो उसके बाद उन सबको लगता है कि हमको तो रिहाई होने ही वाली है, और ये सच्चाई है। आपको कोई जवाब नहीं है रोहिणी सरयान के एफिडेविट पर, आपको कोई जवाब नहीं इस बात का कि आज कुछ घंटे पहले अविनाश रासल ने कहा है कि वो सरकारी वकील है, लेकिन उनको आज भी मालूम नहीं था कि ये चार्जशीट क्या होने वाला बिल्कुल, है बिल्कुल जब भारत के सरकारी वकील को मालूम नहीं है चार्जशीट, तो ये गुप्त क्यों रखा गया है? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने सरकारी वकील को नहीं बताया, क्या ये सच नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं बनता है, उसने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 30 दिन के भीतर इनके बेल पर विचार कीजिए। यदि ये दोनों बातें सर्वोच्च न्यायालय कह रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मोकोका हटाओ, एनआईए ने अपनी, यदि आपकी बात सुधांशु जी ठीक का, यदि आपकी बात को हम सच भी मान लें सरकार के दबाव में है, पवन जी, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी एनआईए कदम उठा रही है, एनआईए ने स्वयं कोई कदम नहीं उठाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मोकोका को हटाने के लिए, हां, और इन दोनों को बेल पिटीशन पर विचार करें, बिल्कुल इन पर कोई केस नहीं बनता है। साध्वी प्रज्ञा को ऑलमोस्ट सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया कि इन पर कोई चार्ज नहीं बन रहा है 6 साल में। एक और अंतिम बात मैं कह दूं, रोहिणी सालियान के बारे में बीजेपी को जवाब देना चाहिए और एफबीआई के बारे में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। सुमित जी एक बात कह दूं, 6 साल के दौरान 180 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन नहीं दिया है, इससे बड़ा इलीगल डिटेंशन का शायद भारत में दूसरा उदाहरण नहीं है। सुमित जी, प्रज्ञा कोई ठाकुर की बेटी है, इससे आप इलीगल काम करेंगे? संजय जी एक मिनट, पवन वर्मा के पास जा रहा हूँ, मैं आता हूँ, जेपी शर्मा साध्वी प्रज्ञा के वकील मेरे साथ जयपुर से जुड़े, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन पवन जी पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, आपकी मेरी आवाज आ रही है ना पवन जी? इस बार जी आ रही है। पवन जी, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मकोका हटना चाहिए, तो ऐसे में अगर एनआईए मकोका ना हटाए तो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी? देखिए सुमित जी, मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है जी, और मैं आपके सामने और आपके दर्शकों को ये पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, मैंने शुरुआत की थी जब साउंड कट गया था कि कितने तोते कितने पिंजड़ों में है। ये लोकतंत्र है, इसमें सरकारी एजेंसियां हैं, वो बड़े अहम और महत्वपूर्ण विषयों से डील करती हैं। अब आप देखिए एनआईए के केस में हेमंत करकड़े साहब, जो कि वीर चक्र प्राप्त, हम शहीद माने जाते हैं, 26/11 में आतंकियों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, मैं मानता हूं हो सकता गलत हो। फिर उसके बाद रोहिणी सालियान ने शपथ पत्र दिया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं इस केस में ढील दूं जी,
उसके बाद कुछ घंटे पहले जैसे अभी जिक्र हुआ, जो अब प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं कि मुझे बिना बताए आज कोर्ट में मेरा जूनियर पेश हो गया जी। तो चलिए इसको भी नजरअंदाज कर दें। मैं आपसे पूछता हूं कि सीबीआई के केस में, सीबीआई के केस में जी। आप देखिए अमित शाह के खिलाफ, अब सुधांशु जी भड़किए मत, अमित शाह के खिलाफ सीबीआई ने कहा कि हजारों पन्नों का हमारे पास सबूत है कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति केस में वो प्राइम अक्यूज्ड है फॉर मर्डर। अच्छा एक मिनट, मैं बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ एजेंसी की बात कर रहा हूँ, मेरा लिमिटेड पॉइंट है, मेरा लिमिटेड पॉइंट है। मैं जानता था आप भड़क जाएंगे। सुमित जी देखिए, अगर अपनी बात कहिए, एनआईए ने जो कदम उठाया गलत उठाया या सही उठाया? पवन जी हम भी बिहार में जो हत्या की घटना हुई, पवन जी मेरा सवाल जो था आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप अपना ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, हम साध्वी प्रज्ञा पर बात कर रहे हैं। पवन जी भड़क जाएंगे। पवन जी मैंने पूछा था मकोका को लेकर, क्यों नहीं आइए, क्या करें और सरकार आती है, इनके पास जवाब नहीं है। सुमित जी वास्तव में क्या है कि आज ये फंस गए हैं, पूरी कांग्रेस जमात को लग गया है। पिछले छह साल से तैयार किया, उसे जनता ने स्वीकार की है, कानून के नजरों में भी एक गिर रहे हैं। पवन जी आप, पवन जी मैंने आपसे पूछा मकोका के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकोका नहीं लगना चाहिए, आप मकोका के सवाल को छोड़ के आप अपनी बात सारी कर रहे हैं। आज हम अमित शाह के बारे में डिबेट नहीं कर रहे हैं, आज हम डिबेट कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के छूटने के बारे में। मैं आपको साबित कर रहा हूं कि चाहे सीआईए हो चाहे एनआईए हो, सरकारें बदलती हैं, दबाव बदलता है, बयान बदलते हैं और क्लीन चिट दे दी जाती है। मैं कह रहा हूं उन पार्टियों का इतिहास देख लीजिए जो निर्णय ले रही है, उन पार्टियों का इतिहास देख लीजिए। आप बताइए भिंडर वालों को किसने खड़ा किया, लिट्टे को किसने खड़ा किया, देश में मीसा डीआईआर कौन लाया, इस देश में इस प्रकार से चिल्लाते रहिए और बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, चिल्लाने का क्या मतलब, गलत बोलेंगे चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं हम। आप ठीक बोलिए, और कर्नल पुरोहित अगर निर्दोष हैं तो न्यायिक प्रक्रिया से निष्पक्ष ढंग से उनको निर्दोष साबित कीजिए। तो न्यायिक प्रक्रिया तो हुई है पवन जी, पवन जी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, पवन जी आप तो राज्यसभा के सदस्य हैं, आपको मालूम है। देखिए आर्मी ने कर्नल पुरोहित के ऊपर एक जांच बैठाई थी, चलिए आर्मी ने क्लीन चिट दिया। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आर्मी ने जो जांच की वो सारी दस्तावेज कर्नल पुरोहित को मिले। आप इन सभी बातों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या आर्मी का मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं उनको निर्दोष क्या दस जज में आदेश होगा, वही आदेश चलेगा। चाहता हूं मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूं राकेश जी, जरा संजय में आ रहा हूं, कम होइए। जेपी शर्मा साध्वी प्रज्ञा के वकील मेरे साथ हैं। शर्मा जी जी, आज ये बात तय हो चुकी जी कि साध्वी प्रज्ञा का मालेगांव के मामले में उनको क्लीन चिट है। अब आगे क्या देखते हैं आप, जिस तरीके की चार्जशीट थी इस पूरे मामले में, जिस तरीके से जांच चली, सरकार बदलने के साथ जांच की दिशा बदली, देखिए आगे भी आपको लगता है कि बाकी मामलों से भी साध्वी प्रज्ञा को राहत मिलेगी क्या, और कैसे? देखिए मैं एक बात आपको यहां क्लियर कर दूं कि ये जांच सरकार के द्वारा नहीं चली है, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस खलीफुल्ला साहब ने अपने फैसले में यह कहा कि इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी और वो जांच करेगी कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ठीक है, सरकार का कोई दखल नहीं था। आपको ध्यान हो 7 साल से इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, एक महिला, हिंदुस्तान का सारा कानून एक तरफ, साध्वी है, सन्यासी है, बिना चार्जशीट बिना इन्वेस्टिगेशन 7.5 साल से जेल में है, कितना बड़ा मानवाधिकार काम आप ये समझिए वायलेशन हुए हैं। यूपीए के शासन काल में आप जरा सवाल पूछो यूपीओ के नेताओं से, चार चार उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपनी कंप्लेंट दी, किसी एक पे इन्होंने जांच की, किसी एक पे इन्होंने जांच की? संजय झा देखिए, संजय झा कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी शर्मा की बात के जवाब दीजिए।
सुमित जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं और आपके आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही उनके लिए अहम बात है जानना कि कितनी अजीब बात है कि आज एनआईए पर बहुत विश्वास है कि एनआईए बहुत निष्पक्ष हो गया है. एनआईए इज लाइक अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्योरिटी. आरएसएस और बीजेपी लोग कहते हैं एनआईए तो गलत नहीं हो सकता है, तो ये प्रश्न पूछना पड़ेगा. तो पहले क्या एनआईए फिर गलत कहा था? आज सुमित जी, मालेगांव 2006 में जब एनआईए ने उनको डिस्चार्ज किया तब तो इनमें से कोई नहीं बोला. सम्मानित वकील साहब ने सवाल उठाया, तब तो नहीं बोला दीजिए कि मानवाधिकार में जो कंप्लेन गया था उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की. मैं जवाब दे रहा हूं, क्या साध्वी प्रज्ञा के पास मानवाधिकार नहीं है? अफजल गुरु के पास मानवाधिकार है, मेमन के पास मानवाधिकार है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के पास मानवाधिकार नहीं है. आप और आपके जमात के लोग मेमन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे, और साध्वी प्रज्ञा का 3-3 अभी सवाल उठाया गया, महत्वपूर्ण सवाल उठाया जुड़े हुए हैं. संजय झाजी, आपके पास जवाब नहीं है, माफी मांग लीजिए देश से, देश माफ कर देगा. अरे आप चुप रहिए, सुमित जी सुमित जी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आने वाले समय में एक एक जिस तरह मुलायम सिंह ने 89 के मामले में ये कहा है कि हमसे गलती हुई, अगले 20 साल बाद इस देश का आशा जो संजय झा, संजय झा, मैं आपको बता रहा हूँ, संजय झा हिंदू समाज को टारगेट किया है उसका आपके पास जवाब नहीं है. एक व्यक्ति बैठकर आपके सामने पैनल में अपना नैरेटिव दे रहा है और तो आपको शर्मिंदगी महसूस संजय जी की एनआईए को कंट्रोल करना चाहिए था. कुछ शर्मिंदगी तो आपको संजय जी, क्यों चार्जशीट नहीं हुई 7.5 साल से, क्यों साध्वी प्रज्ञा बंद है, बताइए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए ना. संजय जी आप मुद्दे पे रहिए, संजय जी प्लीज. सुमित जी आप इनसे ये पूछिए, उस महिला को जो सास जो चलने की स्थिति में नहीं है, वॉकर से चल रही है, उठ नहीं सकती, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? उस तरफ से 5 आदमी बोलने के लिए है, जरा हमको वक्त भी तो दीजिएगा. नहीं तो आप घबरा रहे हैं कि 4 आदमी आए हैं तो नहीं, मैं आप घबराने वाले लोगों में से थोड़ी, आप तो बहादुर हैं, पार्टी के बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, आप तो सबको संभाल सकते हैं. मुझे दुख इस बात का लग रहा है कि आप इनको रोक नहीं रहे, हमको टोक रहे हैं बीच बीच में. नहीं, आपको टोकना तो इसलिए चाहिए भी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं. संजय जी प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए. 7.5 साल से साध्वी प्रज्ञा बगैर किसी चार्जशीट के क्यों जेल में है, पहली बात. दूसरी बात, एफबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई इशरत जहां के मामले में, उस पर आपको क्या कहना है? अब देखिए, अब यहां पर यदि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अचानक डेविड हेडली पर उनको इतना विश्वास है, और आज यदि हम फिर इशरत जहां इश्यू पर जा रहे हैं, जहां पर आज भी दो चीज जिसका आज तक किसी ने इसका सबूत नहीं निकाला है कि क्या वो इनको, यदि भारतीय जनता पार्टी को अब जमादू दावा के वेबसाइट पर बहुत विश्वास है, उनको गजवा टाइम्स पर बहुत विश्वास है, वो डेविड हेडली को समझते हैं कि वो तो सच के एक नमूना है, तो ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन है. मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एनआईए ने अचानक यू टर्न क्यों किया है, ये तो जानने की कोशिश कीजिए. ये बहुत विचित्र व्यवहार है कि एनआईए ने अचानक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं माफ करता हूं. यहां पर मैं दर्जनों बार कह चुका हूं कि सर्वोच्च न्यायालय जानने की इनसे ये जेपी शर्मा मामले में उस समय के गृहमंत्री ने बयान कैसे दिया? आपकी बात का जवाब जेपी शर्मा दे रहे हैं. कोर्ट से कुछ नहीं कहना है. संजय जी वकील हैं जेपी शर्मा, वो जवाब दे रहे हैं. संजय जी सुनिए, क्रिश्चियन मिशेल के इंटरव्यू पे बड़ा भरोसा है. संजय जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, जेपी शर्मा आप कुछ बोल रहे थे. जेपी शर्मा संजय जी, सुधांशु जी प्लीज, आपसे जवाब ये पूछिए, जब मामला अदालत में था तो उस समय के प्रज्ञा के वकील जेपी शर्मा कुछ बोल रहे हैं. संजय जी प्लीज एनआईए विरोध नहीं करेगी. संजय जी मैं आपको मौका दूंगा, आप सुनिए ना. जेपी शर्मा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज दब गई थी, बोलिए जी. मैं संजय जी से विनम्र निवेदन ये करना चाहूंगा, वो इस बात का जवाब दें कि उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किसके दबाव में, किसके कहने पर आकर ये कहा कि एनआईए अपोज नहीं करेगी? क्या गृह मंत्री का विषय था? उन्होंने पुलिस को प्रेशर दिया, न्यायपालिका को उन्होंने प्रेशर मारा, कहां थे ये सारे बुद्धिजीवी लोग उस समय? आपकी देखिए एक बात कहें, आपके घटिया
और बिल्कुल एक नकारात्मक और बेतुका प्रश्न का जवाब देना, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सुमित जी के प्रश्न का जवाब दूंगा। आप कहां से आते हैं, आपके नजरिया क्या है, ये दुनिया देख रही है। आप कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, आप हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके स्वामी असीमानंद ने मोहन भागवत का नाम लिया है, ये सच है या नहीं? आप स्वामी असीमानंद सोनिया जी को असीमानंद जी का अध्यक्ष बना लीजिए। स्वामी असीमानंद जेल में है, आपको असीमानंद को घेरने के लिए सोनिया जी ने कहा था कि नहीं कहा था, आप ये बताइए। अरे आपका तो वही बिल्कुल नीच और गिरा हुआ राजनीति पर हम लोग क्या, और इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ ईसाई समुदाय हिंदू धर्म ग्रहण कर रहा था और असीमानंद जी वहाँ पर सेवा के काम चला रहे थे। ये सोनिया जी के धर्मांतरण हो रहा था बोल रहे हैं कि असीमानंद ने मोहन जी का नाम लिया गांधी ने और ये स्क्रिप्ट लिखी गई। अरे संजय झा जी, हाँ सुधांशु जी आप बोलिए, सुधांशु जी आप कुछ बोलिए। एक आदमी बोलिए, अब 10 आदमी चिल्लाएगा तो कैसे सुनेंगे। हाँ संजय झा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अरे गाइडो हेस्के ने तो सोनिया जी का नाम लिया है भाई पैसे के मामले में, तब आप कहते हो गलत है। चलिए आप मोहन जी की अलग बात कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाफिज सईद ने, हाँ सुमित जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ आप बोलिए ना त्रिवेदी जी, आप बोलिए, पूछे पूछे क्या। हाँ संजय जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं शर्मनाक बात है, तो भारत के इतिहास में अगर हाफिज सईद ने किसी गृह मंत्री को शाबाशी दी है तो आपके सुशील कुमार शिंदे को जनवरी 2013 में हिंदू आतंकवाद कहने के लिए, और देश के दूसरे गृह मंत्री चिदंबरम जी ने दिसंबर 2009 में सैफरन टेरर वर्ड का प्रयोग किया, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? और इतना ही नहीं, बकौल अमेरिकन रिकॉर्ड्स राहुल गांधी जी ने जुलाई 2010 में अमेरिकी अधिकारियों से यह बोला कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। वो सच है या झूठ है मैं नहीं कहता, मगर आज तक राहुल गांधी जी ने उसका खंडन नहीं किया आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आतंकवादी गृह मंत्री को शाबाशी दे रहा है, गृह मंत्री सदन के पटल पर धार्मिक आतंकवाद की बात कह रहा है और सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा नेता अमेरिकी अधिकारियों के सामने धर्म का नाम लेकर आतंकवाद की बात कह रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता था, यह आपकी मंशा को साफ दर्शाता है। सुनिए दुर्भाग्य नहीं नहीं आप नहीं नहीं मैं इसका तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब हो सकता है, लेकिन मैं तो ये आज वर्तमान में आपको ले आ रहा हूँ। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के छात्रों को, जेएनयू के छात्रों को बोला कि आप लोग हफीज सईद से आपका रिश्ता है, शर्म नहीं आती है आपको कि आप भारत के युवा लोगों पर आप आरोप लगाए आतंकवाद का, और अब चुप्पी चुप राजनाथ सिंह से एक शब्द नहीं निकलता है। नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भाग ही गए, उनको तो वो तो बारे में तो भूल ही जाइए, वो तो जुमला करके अरे भाई आप क्या बात आप अरे कर रहे हैं, आप कुछ बोलिए, सही शाबाशी दे रहा है, शर्म तो उस पे आनी आप चाहिए, आप बोलिए, अरे आप हिंदू आतंकवाद कह रहे हैं और शाबाशी दे रहा है, उसके बाद सुशील सिंह ने बयान वापस लिया है, क्या आर्ग्यू कीजिए, वापस लिया है कि नहीं? हफीज सईद एक बात कहें, और आपकी तो मानसिकता ही वही है मान्यवर, नाखुश है आपको तो हर आतंकवादी में आपको सहानुभूति नजर आती है, श्रीमती सोनिया गांधी को बताना हाउस एनकाउंटर के आतंकवादी किसी शहीद सैनिक संजय झा जी, संजय झा जी कट गए, संजय झा जी हमसे एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि 6 साल तक यूपीए के दौरान जो जांच हुई एटीएस और एनआईए ने किया इस पूरे प्रकरण में, प्रधानमंत्री लाहौर में झप्पी की राजनीति विदेश नीति पर चर्चा करना चाहते हैं क्या? हफीज सईद भी थे, संजय जी आप, संजय जी आप विदेश को, आप विदेश नीति पर चर्चा करना चाहते हैं क्या? उस पर भी हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान से, आज तो बात हो रही है कि आपने क्या साजिश प्रज्ञा को सीनियर मोस्ट मिनिस्टर में से एक मणिशंकर जवाब दीजिए ना, पाकिस्तान में जाके कह चुके हैं कि सुधांशु जी, सुधांशु जी आपने इस बात का, सुधांशु जी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। रोहिणी सेलियन ने जिस तरीके से कहा कि सरकार का दबाव है कि इस मामले पे धीमे चला जाए, रोहिणी सेलियन का जवाब, रोहिणी सेलियन पर जवाब दीजिए ना, और आज भी सरकारी वकील ने कहा कि उनको भरोसे में नहीं लिया गया, रोहिणी सेलियन का विषय कहा
और अविनाश रासल पर भी जवाब दीजिए। सुमित जी, उन्होंने आज आप जो बात संजय जी ने रोहिणी सालियान के विषय में कही, रोहिणी सालियान के विषय में, अरे भाई अब मैं बोल तो लूं, संजय जी जो आपने रोहिणी सालियान के विषय में कहा वह पूर्णतः सत्य नहीं अर्ध सत्य है। इसी रोहिणी सालियान ने नवंबर दिसंबर 2013 में ऑन रिकॉर्ड यह बोला है कि समझौता एक्सप्रेस के मामले में जो मुस्लिम आरोपी हैं उनकी बेल का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ हिंदू आरोपियों की बेल का विरोध करना चाहिए। और दुर्भाग्य कि आपकी सरकार ने भी वही स्टैंड लिया। क्या कोई वकील ये कह सकता है? हमें या तो उसका एक स्टैंड होना चाहिए, या तो सबकी बेल का विरोध या किसी के बेल का विरोध नहीं। और जो ये कहता है उसकी मानसिकता तो आपकी सरकार के कालखंड से जाहिर थी, उसके साथ सुधांशु जी इतना आसान नहीं। आज भी आपके सरकारी वकील ने कहा, सुधांशु जी आज भी सरकारी वकील ने कहा कि हमको भरोसे में नहीं लिया गया। जब इसमें हिंदू आतंकवाद का दृष्टिकोण आ गया है तो मुस्लिम आरोपियों की बेल का विरोध न किया जाए, ये रोहिणी सालियान का स्टैंड था जिसको आप कोट कर रहे हैं, जो कि आपको सूट करता है। जेपी शर्मा, एक मिनट, जेपी शर्मा, संजय जेपी शर्मा कुछ बोल रहे हैं, जेपी शर्मा नहीं, एक मिनट, आज भी सरकारी वकील अविनाश रासल में आप पर आरोप लगाया। सर मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए किसी भी केस में जब चार्जशीट फाइल होती है, क्यों लोगों को नकार? बोलिए शर्मा जी, बोलिए, चार्जशीट फाइल होती है। शर्मा जी जवाब करिए, संजय चार्जशीट फाइल होने के बाद ही शुरू होता है। एक मिनट संजय झा, एक मिनट जेपी शर्मा जवाब दे रहे हैं। जेपी जी, जेपी शर्मा जी, संजय जी, सुमित जी, मैं दो बातें कहूंगा। जहां तक ये बात है कि सरकारी वकील का पक्ष, देखिए सरकारी वकील का किसी भी केस में रोल तब शुरू होता है जब चार्जशीट फाइल होती है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, तो जब आज फाइल हुई है तो उसके बाद ही सरकारी वकील का रोल शुरू होगा। नंबर एक, नंबर दो, इस सारे केस में फिर रोहिणी सालियान क्या थी? जेपी शर्मा जी, कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस खलीफुल्ला साहब ने एक लंबी हियरिंग के बाद, 3 साल की लंबी हियरिंग के बाद ये कहा कि इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और एजेंसी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन ही यह तय करेगी कि मकोका बनता है नहीं बनता है जी। तो आज अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये तय किया है तो कोर्ट में दाखिल किए कागज, तो इसमें इनको हाय हल्ला क्यों हो रहा है? नंबर एक। नंबर दो, अभी मेरे मित्र जो है सुमित जी कह रहे थे कि स्वामी असीमानंद का बयान, अरे भाई जरा इनसे पूछो तो सही, यूपीए वालों से, जिस स्वामी असीमानंद के बयान के बाद पूरी यूपीए गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बारे में ये कह दिया कि हम इनकी बेल अपोज नहीं करेंगे, उस केस में ना स्वामी असीमानंद मुलजिम है ना गवाह है, उनके बयान को बेस बनाकर कैसे कर दिया? संजय झा जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल मान लीजिए मैंने पूछा, जवाब दीजिए। मृत्युंजय तिवारी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं नहीं, देखिए सुमित जी, देखिए इसका जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जैसा हम लोग एनआईए में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एनआईए ने क्या छानबीन की, उनकी क्या प्रगति हुई, उन्होंने कोर्ट को क्या बोला, वो एनआईए जानती है। और जिस तरीके से इन्होंने जो अभी करंट एनआईए के डायरेक्टर जनरल है उनको एक्सटेंशन देके, और लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि शरद कुमार क्या अब पुलिस अफसर बन सकते हैं तकनीकी तरीके से, शरद कुमार को क्यों यहाँ इस रोल में 1 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया गया, आप ये बताइए। देखिए ढेर सारे प्रश्न है, ये बहुत पेचीदा। शरद कुमार आप सुन नहीं रहे, जरा कान को थोड़ा खोल के सुनिएगा। शरद कुमार है उनका नाम, अंत में हाँ हाँ होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा मृत्युंजय तिवारी, इतना ही कहूंगा कि देखिए क्योंकि आप लेट आ पाए हैं, मेरे पास वक्त की कमी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले में आपको लगता है कि जांच एजेंसियों को जमकर तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले यूपीए के द्वारा और अब बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा? मृत्युंजय तिवारी, देखिए निश्चित रूप से सुमित जी, अभी जो एनडीए के द्वारा किया जा रहा है जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और आप जानते हैं किस तरह से भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और भगवा को बचाया जा रहा है, इसमें अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ये देश की जनता और आप लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार, सिर्फ अभी की सरकार क्यों, पिछली सरकार क्यों नहीं? जो बात बीजेपी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं मृत्युंजय जी, कि जानबूझकर साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया, तो ये क्यों ना माना जाए कि उस वक्त भी दबाव था एजेंसी पर?
इस बात का जवाब दीजिए ना। वक्त ये तो देखिए, इस बात को कहने में कोई इतराज नहीं है कि आप जानते हैं कि सीबीआई का और यूएनआई का जो है इसका एजेंसी केंद्र सरकार का, इसका दुरुपयोग होता रहा है। इस बात आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने भी किया, संजय झा के सामने मान रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने किया इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो इतना लंबा चौड़ा नहीं हो रहा नहीं, हम स्पष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया उससे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जी कांग्रेस से क्यों नहीं, कांग्रेस की बात पर आपने कांग्रेस से नहीं लेकिन भाजपा, आप कांग्रेस की बात करिए ना जी। दोनों लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप विजय सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस को आप तो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे थे, ठीक है उसमें कुछ नहीं हुआ या गलत है, कुछ तो बताइए, आप अपना मत तो दीजिए आप भाई। कुछ नहीं, अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कीजिए छानबीन। जेएनयू में जेएनयू का भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी चुनौती झेलते झेलते इतने बड़े हो गए आपकी चुनौती झेलते झेलते राजनीति को। एक मिनट विजय जी, एक मिनट मृत्युंजय जी, सुधांशु जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये संभव है, क्या सरकार इस दिशा में सोच सकती है कि निष्पक्ष जांच के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में जांच बिठाई जाए और जांच करवाई जाए इन तमाम मामलों की, जिस पर बार बार आंच उठती है कि आप लोग एजेंसीज का भेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा से जुड़े मामले हो या दूसरे यूपीए से जुड़े मामले। सुमित जी, कितनी हास्यास्पद बात है, इन विषयों की जो भी जांच होगी वो जांच एजेंसियां ही करेंगी क्योंकि वो एक्सपर्टीज कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी तो होगी, कोर्ट सुनेगा, और आज भी ये जांच एजेंसियां रिपोर्ट कोर्ट को ही सबमिट करेंगी। तो ये पूरी तरीके से भटकाने वाली बात है। और मैं एक बात कहूंगा सुमित जी, जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था, भगवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग है जिसे त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वालों ने राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। संजय जी माफी मांगेंगे, आपको नहीं मिलेगा। संजय जी माफी मांगेंगे, राष्ट्रीय ध्वज में बताइए उसे देश के होम मिनिस्टर के द्वारा पार्टी के चीफ नेता के द्वारा। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी की पाखंडी राजनीति का आज पूरा पर्दाफाश हो गया। आप अभी अचानक सुधांशु जी कहते हैं अरे सीबीआई और एनआईए को जांच करनी चाहिए, तो बाकी लोग क्यों लाइए? अरे साहब एक मिनट, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यूपीए सरकार थी तो आप हमेशा यही कहते थे ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई होनी चाहिए। अब ये क्यों डर रहे हैं मैं बताता हूँ, क्यों भयभीत है, बीजेपी इतनी भयभीत है क्योंकि एक बार निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि सीबीआई तो आप जानते हैं कैसे अमित शाह को बचा लिया, संजय झा जी से पूछिए, यहाँ पर ये जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, नहीं मानेंगे ये सरकार के आदेश पर नहीं हुई है। संजय झा जी आज पूरी जानकारी के साथ ये न्याय सुन रहा है, वक्त की कमी है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हमारा अब वक्त है आज के एसएमएस के जवाबों का। हमारा आज का सवाल था जो हमने आपसे पूछा था कि क्या मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को यूपीए सरकार ने फंसाया था। हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं, 93% लोग हां में जवाब देते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को यूपीए सरकार ने उस दौरान फंसा दिया था, 7% ऐसा नहीं मानते हैं। यही सवाल ट्विटर पर पूछा गया, सबके सामने है उसके नतीजे भी कि क्या प्रज्ञा ठाकुर को यूपीए ने फंसाया था। 85% दर्शक हां में जवाब देते हैं, यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है कि साध्वी प्रज्ञा को यूपीए सरकार ने अपने फायदे के लिए उस वक्त फंसाया ताकि संघ परिवार को भगवा आतंकवाद में लिप्त होने का इल्जाम लगाकर बदनाम किया जा सके।